नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। इस समय इस स्टॉक में इंडिविजुअली न्यूज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली ट्रेंड काफी स्ट्रांग लग रहा है, जिसके कारण इस समय इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों के क्वेरीज भी थे और यहाँ देखेंगे तो स्टॉक में जो गिरावट दिखी थी उसी प्रकार से रिवर्सल भी दिखा और पिछले 52 वीक लो से इस समय देखेंगे स्टॉक का हाई तो लगभग 100% के रिकवर स्टॉक ने पिछले 1 साल में अपने लोअर लेवल से लिए हैं। आगे के ट्रेंड और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। अगर अपडेट्स में देखेंगे तो कुछ भी आपको बड़े न्यूज देखने को इस स्टॉक में नहीं मिलेगा। जो भी न्यूज है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के ही है। अक्टूबर में रिसेंट का कुछ भी ऐसा न्यूज नहीं दिखा जो आपसे अपडेट करना चाहिए। जो क्वार्टरली नंबर्स थे उसके बाद सभी कॉमन न्यूज ही दिख रहा है, लेकिन जो टेक्निकली ट्रेंड है कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 5 ईयर में तो स्टॉक मल्टीबैगर बना ही, लेकिन पिछले 6 मंथ के रिटर्न भी काफी बेहतर हैं और लोअर लेवल से तो इवन 100% का रिटर्न है। और अगर टेक्निकली, चूंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, तो वो आपको 47% के दिख रहे हैं। और इसके साथ ही डिलीवरी देखेंगे तो काफी बेहतर है, 30% के ऊपर। और यहाँ अगर इस स्टॉक के वॉल्यूम पे नजर दे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ कॉमन वॉल्यूम के साथ, कॉमन क्या, रिसेंट के जो वॉल्यूम थे हायर ही रहा, स्टॉक जो है मंथली हाई के आसपास रहे, यहाँ वॉल्यूम बिल्ड हुई और स्टॉक का जो प्राइस है वो हाई प्राइस देखेंगे तो 19 समथिंग रहा और उसके बाद थोड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ से देखेंगे 52 वीक तो लो नहीं है, ये भी है मंथली ही लो। और यहाँ से देखेंगे अगेन थोड़ा बहुत वॉल्यूम बिल्ड होते दिख रहा है और वॉल्यूम बिल्ड के बाद स्टॉक अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक डाउन करे तो वो सेंटिमेंट जो है सेलिंग माना जाता है। और वही अगर हायर वॉल्यूम के साथ, अगर वॉल्यूम जो है वो हायर हो और स्टॉक अपर साइड ब्रेक कर रहा हो प्राइस, तो समझिए कि यहाँ एक्युमुलेशन हो रहा है। तो एज पर वॉल्यूम एनालिसिस स्टॉक में एक्युमुलेशन चल रहा है। टेक्निकल देखें कि लोअर लेवल के प्राइस से जो स्टॉक का ट्रेंड रहा, यहाँ से आप पाएंगे कि हायर हाई हायर लो का ट्रेंड रहा है। क्या रहा है? हायर हाई हायर लो का ट्रेंड रहा है और ये हायर लो के आसपास ही आते यहाँ से एक रिवर्सल दिखा और हमने कहा भी था कि 17 का एक मेजर सपोर्ट जोन हो सकता है। इस समय जो पहला टारगेट हमारा आएगा नियर अराउंड 22 के आसपास का आएगा, ये जो लेवल है 22 के आसपास का लेवल है, 1 ईयर का हाई। और इसके बाद हम इस स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट आते दिखेंगे वो टारगेट काफी बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होने वाला है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो रिसेंट के हाईएस्ट लेवल रहे थे, यहाँ से देखेंगे स्टॉक का ये लो रहा और यकीन मानिए कि 0.5% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसके प्रोबेबिलिटी होते हैं कि वो हाई को भी ब्रेकआउट कर सकता है। जो 35 और 42 तक के लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 22 के ऊपर के वीकली क्लोजिंग पे। तो इस समय पोजीशन अगर ऑलरेडी है तो बनाए रखें। यहाँ देखेंगे हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, रिट्रेसमेंट बेटर है, इसके ऊपर हाईली कन्विक्शन कॉल होगा जहां आप एवरेज आउट और भी बड़े क्वांटिटी में कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे है क्वांटिटी स्मॉल रखें और हमारा जो एसएल होना चाहिए वो नियर अराउंड 15 के नीचे के एसएल को चाहे तो ट्रेल कर